सत श्री अकाल जी, मेरा नाम डॉक्टर अमित बांसल है। तो अज आप वर्ल्ड हैपेटाइटिस डे के संबंध में गल करांगे। मेन टाइप है वायरल हैपेटाइटिस की, वह क्रॉनिक वायरल हैपेटाइटिस है, जो कि आम तौर पर हैपेटाइटिस वायरस बी या सी की इनफेक्शन नाल हुंदा है। हैपेटाइटिस डी वायरस हैपेटाइटिस बी दी दे नाल ही इनफेक्शन करता है, इकले तौर पर यह कदे भी इनफेक्शन नहीं करता। सो मेन कारण जो क्रॉनिक हैपेटाइटिस का, वो हैपेटाइटिस बी ते सी दी इनफेक्शन है। पंजाब दे विच खास तौर पर हैपेटाइटिस सी दी मात्रा बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे मरीज इसके शिकार हैं, इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसका मुख्य कारण है इनफेक्टेड सुई का इस्तेमाल, जो कि नशा करने वाले मरीज जो हैं वो इक्को सुई नाल एक दूजे नूं इंजैक्शन देंदे हैं, जिस तो इसका स्प्रैड हुंदा है। दूजा यह अनप्रोटेक्टेड सैक्स के राही भी फैलता है। तीजा मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी इस वायरस का मुख्य रूट ऑफ ट्रांसमिशन है। बोथ हैपेटाइटिस बी ते सी वायरस इन्हां तिन्नां तरीकों नाल फैल सकते हैं। हैपेटाइटिस बी ते सी वायरस मेनली लिवर दे विच कुछ देर लई शांत रहिंदे हन, फिर उस तो बाद यह क्रॉनिक वायरल हैपेटाइटिस दिंदे हन, जिसकी स्लोली स्लोली लिवर दे विच सोजिश हुंदी जांदी है, ते अल्टीमेटली मरीज़ नूं लिवर सिरोसिस नां दी बीमारी हो सकती है। जदों मरीज़ नूं एक बार लिवर सिरोसिस हो जाता है, फिर इरिवर्सिबल फॉर्म हुंदी है, इसनूं रिवर्स नहीं किया जाता। उस तो बाद इस दीआं कॉम्प्लीकेशन, खून दीआं उल्टियां आनियां, पेट दे विच पानी भरना, मरीज़ दे बेहोशी विच जाना, ये सब लक्षण इस इन्हां मरीजों के आ सकते हैं। तीजा, यह वायरस की इनफेक्शन कारण लिवर सिरोसिस होने के नाल लिवर के कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है, जिन्होंने कि असं हेपेटोसेलुलर कारसिनोमा जां एससीसी कहते हैं। सो इन्हां वायरस की इनफेक्शन तो बचा दे वल मेन ध्यान देना चाहिए है। इस सो बचा करन वास्ते आपां नूं कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, मेनली जिस दे विच है कि जो इंजैक्शन देन वास्ते, चाहे वह कोई अपने मेडिसिन का इंजैक्शन, तो जो नीडल यूज़ करनी है वह हमेशा नवी नीडल यूज़ करनी है, कोई भी नीडल्स यूज़ नहीं करनी हैं। ईवन ब्लड डोनेशन वगैरह वास्ते भी जो नीडल्स का यूज़ हुंदा, वह हमेशा फ्रैश नीडल्स यूज़ होनी चाहिए हैं। तीजा, जिवें आपां शेव कराने हाँ जां कोई टैटू बनवाते हाँ, उहदे विच भी हमेशा नवा ब्लेड जां नवी नीडल का यूज़ होना चाहिए है। यूज्ड ब्लेड दे यूज़ नाल भी यह वायरस की इनफेक्शन हो सकती है। फिर दूजियां कई तरह दी बीमारियां, जिवें शराब दे ज़्यादा सेवन नाल भी हैपेटाइटस, जिन्हों अलकोहलिक हैपेटाइटस कहिंदे हाँ, वह हो सकती है। अलकोहलिक हैपेटाइटस भी एक बहुत गंभीर बीमारी है, जिदे विच मरीज़ नूं पीलिया हुंदा है, मरीज़ दा लिवर काम करना छड़ सकता है, तो मरीज़ नूं लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पै सकती है। सो शराब दे ज़्यादा सेवन तो बचना चाहिए है। तीजा, जो मेन अजकल बीमारी का कारण है, लिवर की बीमारियों का कारण है, उस दे विच नॉन अलकोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, जिसका कि मतलब है कि लिवर दे विच चर्बी जमन नाल लिवर दे विच सोजा आना। सो ये अजकल बहुत तेजी नाल ये बीमारी की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि अजकल अपना खान पीन का सिस्टम ते अपनी डेली रूटीन बहुत चेंज हो रहा है। खाण पीन दे विच अजकल आपां प्रोसैसड फूड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिन्हां दे विच फैट्स की मात्रा, रिफाइंड शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होंदी है। ये सब तरह के खाने अपने शरीर नुकसान पहुँचाते हैं, जिदे करके लिवर दे विच चर्बी का जमा हो जाता है, जिस तो अगे चल के नैश नॉन अलकोहलिक सीटोहैपेटाइटिस की बीमारी होंदी है, जो कि अगे चल के लिवर सिरोसिस नूं जन्म दे सकता है। सो सानू सारयां नूं हैल्दी लाइफ स्टाइल वल फोकस करना चाहिए है, जिस दे विच खाण पीन दे विच प्रोसैस फूड की मात्रा घट तो घट लेती जाए, डेली की एक्सरसाइज घटो घट 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक या थोड़ी रनिंग या साइकिलिंग वगैरह अपने डेली रूटीन च जरूर लियानी चाहिए है। प्लस जिस किसी नूं भी लिवर की बीमारी के लक्षण हो, जिमें कि भुख घट लगना, हल्का फुल्का पीलिया होना, जां जनरली तौर पर अनवैल फील करना, उन्हूं अपनी जाँच जरूर करानी चाहिए है, ताकि उसकी बीमारी नूं सही टाइम पर डायग्नोज करके उसका प्रॉपर इलाज किया जा सके, जो दे गंभीर जो उसकी संभावना हो सकती है उस तो बचा जा सके। धन्यवाद।